गाइस, तो मैं आपको पहले बता दूं, ये काफी सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी। जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप बेसिकली 10th और 12th के बाद कौन कौन से जॉब कर सकते हो लंडन में, तो लोगों ने इस वीडियो पर काफी सारा प्यार दिया। हजारों से भी अधिक लोगों ने वीडियो देखे, बट कुछ लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किए कि भाई आपने इस वीडियो में बेसिकली कई सारे जॉब्स बताए थे, बट उनमें से आपने क्लीनिंग वर्क के बारे में बताया था। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ, कितनी सैलरी मिलती है क्लीनिंग वर्क पे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। सुनने में आपको काफी छोटा मोटा काम लग रहा होगा ये, बट इस पे सैलरी कितनी मिलती है आपको सुन के शायद बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, फिर मैं सैलरी बताऊंगा। देखो, रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आप स्टूडेंट वीजा पे ही ये काम कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई बेसिकली वर्क वीजा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, स्टूडेंट वीजा के लिए कई सारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, आपके फोटोग्राफ्स, आपकी पुलिस सर्टिफिकेट, आपकी बेसिकली क्वालिफिकेशन कॉपी जो भी आपने पढ़ाई की है, प्रूफ ऑफ फंड, बेसिकली आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस, और भी बेसिकली कुछ और जैसे कि आपका आइल्स, आइल्स की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो इंग्लिश तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। ये सारे स्टूडेंट वीजा की बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट है। मैंने कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना। मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई, वो भी जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेसिकली सैलरी कितनी मिलती है क्लीनिंग वर्क पे। ठीक है, के क्लीनिंग वर्क होता है बेसिकली काफी सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल्स में आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, और इस पर तो सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज लगभग 10 यूरो से लेकर के लगभग 12 यूरो तक बराबर मिलती है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कितने रुपए, 100 रुपीज होते हैं, तो इसको आप कन्वर्ट, पाउंड में होता है बेसिकली, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, और छोटी सी वीडियो थी बट कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा आप लोगों को।